आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में बस्ती जनपद से भाजपा नेता श्रीमान अखंड प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपसे हर्रैया विधानसभा की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमने समय मांगा कि हर्रैया की राजनीति किस प्रकार से बदल रही है। अभी आप सभी ने हाल ही में देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे त्रंबकनाथ पाठक जी, उन्होंने पार्टी से नाराज़गी व्यक्त करते हुए सपा को ज्वाइन कर लिया है। सपा से ज्वाइन करने के बाद में अब बस्ती जनपद में सपा कितनी मजबूत हुई, भाजपा को कितना कठिनाई का सामना करना पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव में, जनप्रतिनिधि का जो विरोध हो रहा है, जो बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हैं, तमाम सारे विषय पर चर्चा करेंगे। सर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। नमस्कार आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि अभी आपने हाल ही में देखा ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ और पार्टी से दावेदारी कर रहे थे पाठक जी, उनको टिकट नहीं मिला, नाराज़गी बढ़ी पार्टी से, कोई भी नेता उनको मनाने भी नहीं गया, ये भी देखा गया, और उसके बाद में अब उन्होंने सपा ज्वाइन कर लिया। क्या आपको लगता है कि बस्ती जनपद में सपा बहुत मजबूत स्थिति में पहुँच चुकी है, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अब उनसे लड़ना? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब 2017 के चुनाव में अपने जिन मूलभूत योजनाओं को लेकर और जिन संकल्पों को लेकर सरकार बनाई थी, आज कहीं ना कहीं 4.5 साल के इस गवर्नमेंट में हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किए हैं, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने उस हद तक काफ़ी सफलता भी प्राप्त की है कि जो भी हम लोगों ने संकल्प लिया था जनता के साथ, नौजवानों के साथ, वो उसको हम लोगों ने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। जी नहीं, अभी आपने देखा जब पार्टी ज्वाइन किए पाठक जी, किस तरीके से लोग उनको बधाई देने के लिए, पूरा जनपद में तांता लगा हुआ था, फेसबुक पूरा जाम चल रहा था। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से अब लोग समीकरण बदलता हुआ नज़र आ रहा, किस तरीके से लोगों के रिएक्शन आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं? देखिए, जो भी रिएक्शन है और जो भी बधाई, देखिए सबके पास अपनी फ्रेंड फॉलोइंग होती है, सबके पास अपने लोग होते हैं, तो वो लोग उनको बधाई देते हैं या कहीं जाने पर शुभकामना देते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज भी सबसे मजबूत स्थिति में सरैया विधानसभा में है, और आगे 2022 के चुनाव में हम निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि जो हैं, माननीय विधायक जी हैं, वो भी कहीं कहीं कार्यक्रमों में मायूस दिखते हैं, उनकी वजह से पाठक जी भी पहुंच जाते हैं, वो भी पहुंच जाते हैं, उनको बड़ा दुख होता है कि कैसे हम इनके सामने जाएं। नहीं, ऐसे देखा गया फेसबुक पे भी लोगों के? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का जो भी जनप्रतिनिधि है, वह सरकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने काम किए हैं, इतनी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया है कि उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, उनको बताने की ज़रूरत है। इतने काम भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इतने कामों को उन्होंने किया है कि वह अगर जनता को बताते हैं तो कहीं मायूसी का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। बहुत सारे काम किए हैं, उसी में गाली देना भी, माननीय विधायक जी के ऊपर अभी देखा, उनके आवास पर कोई जाता तो उनको गाली देकर भगाया जाता है। किस तरीके से लोग कोई काम करने के लिए जाते हैं कि विधायक जी हमारा ये काम है, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं, लोगों ने देखा है, यही विकास है सर? देखिए जगन्नाथ जी, यह किसी का निजी विषय हो सकता है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति के सहारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं हुई है। हम जब 2017 के चुनाव में इस उत्तर प्रदेश में आए थे और जो हमारा संकल्प पत्र तैयार हुआ था, हमने जो वादा किया था कि गांव गरीब किसान तक हमारी योजनाएं पहुंचेंगी, उसका लाभ मिलेगा, वह हमने पूरा किया है। व्यक्तिगत तौर पे कोई जनप्रतिनिधि ने अगर कुछ किया है तो वह उसका अपना निजी विषय है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। सर, आप पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप माननीय योगी जी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि जो लोगों को गाली देते हो, क्या आपको लगता है कि उनको पद पर बने रहने का या दोबारा टिकट मिलने का अधिकार है? मैं आपके नज़रिए से जानना चाहूँगा। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा का विषय है, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है और किसको टिकट देती है, यह भारतीय जनता पार्टी का विषय है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है, उस विचारधारा में जो समायोजन अपना करना चाहता है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चलता है, जो नहीं समायोजन कर पाता है वह भारतीय जनता पार्टी से बाहर होता है। जी, क्योंकि सर कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ नाराजगी, क्योंकि आपको भी परिवारवाद का शिकार होना पड़ा, हर्रैया में लोग यह कह रहे हैं सर। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था
कि हम कार्यकर्ता को चुनाव कि हमने चुनाव लड़ा, बीडीसी का दो दो चुनाव मैंने निर्विरोध जीता जी। लेकिन अगर पार्टी ने जो है किसी और को चेहरा बनाया, उसको लगता था कि उसकी वजह से उसको ज़्यादा लाभ मिल सकता है, तो मैं तो पार्टी का समर्पित सिता हूँ, फिर पार्टी के क्योंकि साथ अभी विधायक रह चुके आपके हरैया से स्वर्गीय जगदम्बा सिंह, जो कि उन्हीं के सुपुत्र देवेंद्र सिंह जी भी भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर भी बहुत दुख व्यक्त किया उन्होंने जब हमारे इस चैनल के माध्यम से उन्होंने अपना बयान साझा किया कि यहाँ पे जो ऐसे हमारे विधायक जी हैं उनका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, ऐसे ग्लैमर में नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, वो भी आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर वो निराश नहीं है आपके कार्यकर्ता आपके नेता, ऐसा बयान आ रहा सर। देखिए जगन्नाथ जी, एक बड़ी पार्टी है और पार्टी के हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं सारे लोग, तो अगर कहीं किसी के अंदर निराशा आती है तो हम लोग मिल बैठकर उसका उसको ख़त्म कर लेंगे जी। लेकिन वह चुनावों का कहीं मुद्दा नहीं बनने वाला है, यह मैं आपको बताता हूँ जी। जी सर, चुनाव का मुद्दा लोग जिसको चुनते हैं अगर उनके सामने अपनी बात नहीं कह सकते तो उनको कैसे चुनेंगे, आपके हिसाब से क्या लगता है एक विधायक के अंदर कितनी क्वालिटी? देखिए मैंने पहले भी कहा है कि यह जनप्रतिनिधि चुनने का जो मामला है वह जनता का होता है, पार्टी में कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा यह पार्टी चुनाव करती है, उसके लिए पार्टी हर एक गतिविधि पर नज़र रखे हुई है कि किसकी क्या गतिविधि है, आने वाले चुनाव में जिसका जैसा आचरण होगा उस हिसाब से पार्टी उसके साथ व्यवहार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक जनप्रतिनिधि को ये जरूर है कि अपने आप को जो है जनता के बीच में अपने आप को रखना चाहिए, व्यवहारशालीन होना चाहिए जी। और देखिए हम जनप्रतिनिधि इसीलिए बनते हैं कि हम जनता के काम, हम जनता के सेवक हैं जी। देखिए दो तीन चीज़ें हैं, हमें कभी भी देखिए किसी भी जनप्रतिनिधि को अपना विकास ना करके जनता का विकास करना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जी। सर अगर आपको मौका मिलता, क्योंकि आप भी इस युवा नेतृत्वकर्ता, बहुत सारे युवा आपसे जुड़ रहे हैं, लोग क्षेत्र के बहुत सारे जुड़ रहे हैं, आपसे भी आस कर रहे हैं कि आप राजनीति में आएंगे, आगे कदम रखेंगे, अगर आपको मौका ऐसा मिल रहा है, क्या आपके मन में चल रहा है कि मुझे इस विजन को बदलना है? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ जी, और पार्टी का जो भी आदेश मेरे लिए होगा मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ जी। वह किसी प्रकार का हो सकता है जी, वह जैसा भी पार्टी मुझे निर्देश करेगी मैं उसके लिए तत्पर खड़ा हूँ, मजबूती के साथ खड़ा हूँ। टिकट आप मांग रहे हैं सर? टिकट देखिए यह भारतीय जनता पार्टी का विषय है, क्योंकि हमारे पांचों विधानसभा में हमारे विधायक हैं, तो यह निर्णय तो पार्टी को करना है कि किसको टिकट मिलना है किसको नहीं मिलना है जी। लेकिन अगर पार्टी मौका देती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं अपने आपको साबित, क्योंकि सर अगर आपको टिकट मिल रहा है तो जो आपके जनप्रतिनिधि वर्तमान में विधायक जी हैं उन्होंने जो 5 साल में किया है वही आपके सामने आएगा। देखिए मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे वह केंद्र सरकार हो, हम जिन योजनाओं को लेकर जनता के बीच में गए थे, हमने लोगों से कहा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, हमने लोगों से कहा था कि हम धारा 370 खत्म करेंगे, हमने लोगों से कहा था कि समान नागरिक संहिता पर हम बात करेंगे, हमने कहा था कि दो बच्चों का कानून लाएंगे उस पर भी हम मंथन कर रहे हैं, हमने कहा था कि गुंडा राज भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, आज एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प किया था उसको एक एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है, इसमें कोई दोना नहीं है, और इन्हीं संकल्पों के बल पर सर हम 2022 के चुनाव में फिर से सत्ता में आएंगे। लेकिन इसमें मुझे कोई जनता पार्टी ने यह भी कहा था कि हम डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने देंगे, हम महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, हम बेरोजगारी नहीं बढ़ने देंगे, किसानों का धरना प्रदर्शन इतने दिन से चल रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था सत्ता में आने से पहले? मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है तो वो देखिए वह किसान आंदोलन फर्जी किसान आंदोलन है, मैं भी गांव का व्यक्ति हूं, मैं भी गांव-गांव घूम रहा हूं, जो किसान है वो वास्तव में खेतों में काम कर रहा है, उसे आंदोलन करने की फुर्सत नहीं है, यह कहीं ना कहीं से मंडियों में जो अपना माल बाहर बेचते थे ये वही लोग हैं जिनकी जिनका जो है वो चल नहीं पा रहा है, बाकी किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है, किसान कहीं आंदोलन सर इस बात से हम कह के नहीं नकार सकते हैं कि किसान वो फर्जी आंदोलन चल रहा है, किसान खेतों में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने दिन से रुके हों, आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं, उनसे मिलते क्यों नहीं हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें हर बार आश्वासन दिया है, हर बार बातचीत का न्योता दिया है, उन्होंने कहा है कि इन कानूनों में
अगर कोई खराबी नजर आती है तो आपसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे जी, जी। और उन्होंने ऐसे कई राउंड वार्ता हुई है, उन्होंने कहा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन के नाम पर इस आंदोलन को लोग जीवित रखना चाहते हैं, इसलिए जो है क्योंकि उसके पीछे जो है अन्य बाहरी ताकतें लगी हुई हैं उस आंदोलन के पीछे, जो चाहती हैं कि यह आंदोलन जीवित रहे और किसानों के नाम पर जीवित रहे। संजय निशा जी का भी बयान आप सभी ने सुना होगा, उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? वो उनका व्यक्तिगत विषय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। बीजेपी को उनसे अब सर रिश्ता तोड़ने की विवाद भी सोशल मीडिया पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संजय निशा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसमें कोई दोरा नहीं है, नेतृत्व का विषय है। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर हमेशा राजनीति करती है, हमेशा उनको आगे लेकर चलती है। संजय निशा जी का ऐसा बयान आना कि राम उनके पुत्र नहीं थे, क्या ये उनका व्यक्तिगत बयान था और बाकी यह पार्टी का विषय है, ये मेरा विषय नहीं। अखिलेश जी जब जिन्ना का नाम लेते हैं तो आप लोग उनको कहते हैं कि वो जिन्ना का नाम क्यों ले रहे हैं, अब ये आप से जुड़े हुए हैं, ये उनका व्यक्तिगत बयान, इससे हम पल्ला नहीं जा सकते। नहीं नहीं एकदम देखिए, यह उनका व्यक्तिगत विषय था। जहाँ तक जिन्ना के सवाल की बात है तो कहीं ना कहीं यह उनका गलत बयान था, क्योंकि जिन्ना कभी जिन्ना देश को विभाजन करने वाले व्यक्ति थे, वह देश को कभी जोड़ नहीं सकते थे, वह देश को हमेशा तोड़ने का काम किया है जिन्ना ने, इसलिए जिन्ना का बयान तो गलत है, इसमें कोई दोराय नहीं। जी दोस्तों, अभी तक हमने हरैया की राजनीति पे चर्चा किया कि हरैया की राजनीति किस तरीके से रंग बदल रही है। आगामी जनप्रतिनिधि जो आपके कार्य कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में लगातार चल रहे हैं, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं, कितना आप उनसे नाराज हैं, इस पर भी मैंने चर्चा किया। कुछ महंगाई बेरोजगारी पे भी हमने चर्चा किया भाजपा नेता का, उस पर जवाब आया। आप सभी इसको सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास में पहुंच सके। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार।